brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किस कह के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे बिहार के बक्सर लोकसभा सीट की। और इस बार भी ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी ने इस सीट से वर्तमान में सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया है और यहां से मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर एक और नाम सुर्खियों में बना हुआ था, उस नाम के बारे में भी बताएंगे और बक्सर लोकसभा सीट की पूरी समीकरण आपको बताएंगे। असम के लखीमपुर जिले के एसपी आनंद मिश्रा इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने उम्मीदवारी की घोषणा से पहले तक माना जा रहा था उनका कि अश्विनी वैष्णव का पत्ता कटने के बाद बीजेपी आईपीएस आनंद मिश्रा को ही टिकट देगी। लेकिन जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई तो उसने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने बक्सर से मिथिलेश तिवारी को अपना प्रत्याशी बना दिया। आनंद मिश्रा इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए खूब मेहनत भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी नौकरी से भी वीआरएस ले लिया था जिसके बाद वो क्षेत्र में एक्टिव भी हुए थे। हालांकि बक्सर सीट पर आनंद मिश्रा पहले नहीं थे जिन्होंने नौकरी से वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने का सपना देखा था। इस सीट से पहले भी बिहार के एक बड़े आईपीएस अधिकारी गच्चा खा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके लिए गुप्तेश्वर पांडे ने नौकरी से वीआरएस लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सदस्यता भी ली थी। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का सिंबल देंगे, लेकिन सीट बंटवारे के वक्त यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई और बीजेपी ने सीट से परशुराम चतुर्वेदी को टिकट दे दिया, जिसकी वजह से गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़ पाए। अब ठीक उसी तरह एसपी आनंद कुमार मिश्रा भी गच्चा खा गए। हालांकि अब भी आनंद मिश्रा को भरोसा है कि बीजेपी कुछ अच्छा करेगी और निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमें तो एक अच्छा जॉब मिला हुआ था, उसको छोड़कर इस भरोसे आए थे कि बक्सर के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बहुत बड़ा है, हमें भी लगा कि एक सिपाही के रूप में धरातल पर काम करने का मौका मिलेगा, पद भी अपनी जगह है, हमें बक्सर के विकास के लिए काम करने की इच्छा थी, आगे दो चार दिनों में पार्टी क्या करती है उसका इंतजार है, जब वो होगा तो फिर जनता भी अब ये तय करेगी कि आगे क्या कुछ होगा। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार ऐसे नैरेटिव सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आनंद मिश्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अपनी चारित्रिक कमजोरियों को मुझ पे ना थोपे। शायद आप मेरी जगह पे होते तो आप ऐसा सोचते, ये तो मेरी सोच में भी नहीं आ रहा चुनाव नहीं लड़ना। हम जो इतना मेहनत कर, जो इतनी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो इतना बड़ा टीम मेरे साथ काम करता है, आपको लगता है मैं उसके साथ विश्वासघात कर सकता हूं? ये कभी पॉसिबल नहीं है। हम सब चुनाव जरूर लड़ेंगे, बक्सर जरूर चुनाव लड़ेगा और हम अपना नामांकन 7 मई 2024 को कर रहे हैं। आप भी आइए। काशी और मगध क्षेत्र के ठीक बीचों बीच स्थित बक्सर संसदीय सीट राजनीतिक रूप से लगातार अपना स्वभाव बदलती रही है। हालांकि इस बदलाव की प्रक्रिया आहिस्ता रही है। 1977 की इंदिरा विरोधी लहर को छोड़ दें तो इस सीट से करीब 2.5 दशक कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही, लेकिन अब बीते 3 दशक से यही स्थिति बीजेपी के साथ है कि यहां पर बीजेपी 3 दशक से जीत हासिल करते रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से अश्विनी चौबे उतरे, 4,73,053 वोट उन्हें मिला, 47.94% वोट प्रतिशत। आरजेडी की तरफ से जगदानंद सिंह मैदान में थे, 3,55,444 वोट मिले, 36.02%। बीएसपी की तरफ से सुनील कुमार 80,266 वोट ही मिला, 8.13% वोट प्रतिशत रहा। लोकसभा चुनाव 2019 में राजद के जगदानंद सिंह सांसद बने थे और इसके बाद मोदी लहर में 2014 के दौरान राजद की हार हुई। बीजेपी के अश्विनी
चौबे यहां से सांसद चुने गए। 2019 में भी अश्वनी चौबे ने ही जीत दर्ज की, उन्होंने राजद प्रत्याशी जगदानंद सिंह को चुनाव में हराया। 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो बीजेपी के अश्वनी चौबे यहां से जीते थे और इन्हें इस बार 3,19,012 वोट मिले थे, 35.88% वोट प्रतिशत। आरजेडी के जगदानंद सिंह को 1,86,674 वोट मिले, 20.99% वोट प्रतिशत रहा। बीएसपी के दद्दन सिंह यादव को 1,84,788 वोट मिले, 20.78% वोट प्रतिशत। जेडीयू के श्यामलाल सिंह कुशवाहा को 1,17,000 के करीब वोट मिला, 13.16% के करीब में वोट प्रतिशत रहा। बक्सर लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की सीटें आती है जिसमें सदर, डुमराव, ब्रह्मपुर, राजपुर के अलावा रोहतास जिले के दिनारा और कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का इलाका इसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट को ब्राह्मण बहुल्य सीट माना जाता है। नए परिसीमन के बाद यह गणित थोड़ा सा बदला है। यहाँ पर यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा जाति की भी अच्छी खासी आबादी है। अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वैश्य मुस्लिम बिरादरी के भी यहां पर आबादी काफी बताई जाती है। बक्सर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार से यहां पर 58.24% यहां की साक्षरता है। 17,11,514 ग्रामीण आबादी है, 92.3% के करीब 1,42,781 शहरी आबादी, 7.7% के करीब। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ की आबादी निकलकर सामने आती है बौद्ध धर्म के 0.29%, ईसाई धर्म के 0.12%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 6.5%, अनुसूचित जाति के 16.5%, एसटी समुदाय के आदिवासी के 1.3% यहां पर आबादी और सिख समुदाय के 0.03%। राजनीति में अन्य गारंटियों की कोई गारंटी ना हो लेकिन जाति समीकरणों को अपने पक्ष में करना जरूर जीत की गारंटी होती है। बक्सर लोकसभा सीट पर भी जाति की जड़ें गहरी हैं। पार्टियों की भी खुले तौर पर ना कहती हो कोई भी पार्टी, लेकिन जातिगत ध्रुवीकरण करना या साधना उनकी प्राथमिकता होती है। हर पार्टी यही इस सीट पर भी कर रही है। 1991 के लोकसभा चुनाव में इसका नाम शाहबाद उत्तर पश्चिम था और 1957 के चुनाव में इस सीट का नाम बक्सर हो गया। बक्सर लोकसभा सीट से कौन कब जीता है अगर इसकी बात करें तो 1952 में कमल सिंह स्वतंत्र और उसके अलावा शाहबाद तब हुआ करती थी उत्तर पश्चिम के रूप में। 1957 में कमल सिंह फिर से जीते, स्वतंत्र पार्टी इनका रहा। 1962 में अनंत प्रसाद शर्मा कांग्रेस से जीते। 1967 में राम भूभाग सिंह यहां से कांग्रेस से। 1971 में अनंत प्रसाद शर्मा कांग्रेस से। 1977 में रामानंद तिवारी भारतीय लोकदल से। 1980 में कमलाकांत तिवारी कांग्रेस से, इंदिरा गांधी वाली से पार्टी से। 1984 में कमलाकांत तिवारी कांग्रेस से जीते। 1989-1991 में तेज नारायण सिंह सीपीआई से। 1996-1998 में लालमुनी चौबे सीपीआई से जीते। 1999-2004 में लालमुनी चौबे बीजेपी से जीते। 2009 में जगदानंद सिंह आरजेडी से जीते। 2014 और 2019 में अश्वनी कुमार चौबे बीजेपी से यहां से जीते हैं। बक्सर जिले की सीमाएं यूपी से सटती हैं। गंगा नदी के उस पार यूपी का बलिया जिला पड़ता है तो इस पार बक्सर जिला पड़ता है। यहाँ की सोन पापड़ी मिठाई बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था। यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण भी आए थे। भगवान राम ने राक्षसी ताड़का का वध यहीं पर किया था। बक्सर में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से मिथिलेश तिवारी वर्सेज राजद के सुधाकर सिंह वर्सेज निर्दलीय आनंद मिश्रा और वर्सेज निर्दलीय दद्दन यादव यहां से चुनावी मैदान में हैं। आनंद मिश्रा की अगर बात की जाए तो असम मेघालय कैडर के आईएपीएस अफसर आनंद मिश्रा ने पुलिस सर्विस से इस्तीफा ये कहते हुए दिया था कि वो आजादी की जिंदगी जीना चाहते हैं। मिश्रा के बारे में पहले ही कहा जा रहा था कि वो बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 2 साल बतौर आईपीएस सेवा देने वाले आनंद मिश्रा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी का हिस्सा भी रह चुके हैं।
इसका गठन किया गया था एसआईटी का मणिपुर हिंसा को लेकर उसका हिस्सा थे। आनंद मिश्रा ने यूपीएससी की परीक्षा महज 22 साल की उम्र में क्रैक कर ली थी। आनंद मिश्रा का जन्म 1989 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनके पिता कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर्स में इंजीनियर थे। स्कूलिंग के बाद कोलकाता के जेवियर्स कॉलेज में आनंद ने ग्रेजुएशन किया और सिविल सर्विस की तैयारी में लग गए। साल 2011 की सिविल परीक्षा में उन्हें सफलता हासिल हुई। इसमें उन्हें रैंक 225 मिला था और वो आईपीएस कैडर के लिए चुने गए थे। असम में तैनाती के दौरान ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई को लेकर आईपीएस आनंद मिश्रा की खूब चर्चा भी हुई थी। गिटार, म्यूजिक और एडवेंचर्स का शौक भी रखते हैं आनंद मिश्रा। अब चुनावी मैदान में उतरे हैं बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। मिथिलेश तिवारी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में डुमरिया गांव में हुआ और मिथिलेश ने अर्थशास्त्र से ऑनर्स किया है। बीजेपी में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश प्रभारी, प्रदेश मंत्री, बीजेपी बिहार के पद पर भी वो रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी क्रीड़ा मंच में प्रदेश मंत्री का प्रभार संभाल चुके हैं और प्रदेश स्तर पर उपाध्यक्ष और महामंत्री के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह की बात करें तो उनके पिता जगदानंद सिंह की विरासत थामने इस बार वो चुनाव में उतरे हैं। उनके पिता जगदानंद सिंह ने 2009 में बीजेपी के चर्चित नेता लालमुनि चौबे के जीत के रथ को रोक डाला था। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर तीन चर्चित नाम मैदान में है। बक्सर लोकसभा सीट से अश्वनी चौबे का अगर है तो इस तीनों में से कौन जीतकर बीजेपी, राजद और फिर निर्दलीय आनंद मिश्रा हैं और फिर एक और निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो इन चारों में से कौन बाजी मारता है। हालांकि ये सब जनता तय करेगी जब चुनाव में मतदान होगा और उसके बाद इसके परिणाम 4 जून को आएंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।